आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्टिवा हमारी काफ़ी नॉइज़ वगैरह कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट करी, इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कुछ। हम इसकी अब नॉइज़ कैसे सही करनी है आपको वो दिखाने जा रहे हैं वीडियो में। सबसे पहले इसका हमने बूट ओपन करना। बूट ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले ये एक पेच यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ नीचे, ये सब पहले अच्छे से खोल लें। बाकी हमने सिलेंसर इसका चेक कर लिया, सिलेंसर में कोई लीकेज नहीं है। इसके कोई अंदर फिल्टर वगैरह का पाइप वगैरह उतरा होगा, वो हमको एक बार चेक करना है। अभी आपको हम खोल के दिखाएंगे सारा। सारे बोल्ट हमने ओपन कर लिए हैं, येरा येरा हो रहा है गेरा। अगर आप पहली बार ही खोल रहे हो तो चांसेस इसके ये होते हैं कि ये जो हमारी बूट की वायर होती है ना, जब हम ये उतारते हैं तो ये लॉक हो जाता है, फिर हमको पीछे से उसका अलग प्रोसीजर होता है। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे ऐसे कपड़ा फंसा सकते हैं आपकी, जैसे ये लॉक है, जैसे अब लॉक नहीं होगी डिक्की। इसको अब हटाना हमने। यहाँ पे इसका ये लॉक होता है, ये उठगी हमारी, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। फिल्टर, सबसे पहले हमारा ये फिल्टर होता है यहाँ पे, हम ये पूरा ही उतार लेंगे ताकि अच्छे से पता लग सके। इसको उतारने के लिए यहाँ पे कपलर्स होते हैं, ये खोलने होते हैं सबसे पहले। ये जो हमारा कपलर है पीछे की बैकलाइट एंड इंडिकेटर का, ये आप देख सकते हैं कपलर निकाल दिया एंड नीचे अंदर से इसकी वायर जो लगी होती है हमें वो खोल ली होती है। दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकंड फ्लैश। इसके रबर्स होती हैं इस जगह पे, जिसने पूरा सपोर्ट दिया होता है इस जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरा खोल दिया एंड हमने फॉल्ट भी देख लिया। जैसे कि बताया था मैंने आपको, जो फिल्टर है उसमें से पाइप निकला हुआ हमारा, ये रहा। इसको फिल्टर के पाइप को डालेंगे हम अंदर। अंदर डालने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये अच्छे तरीके से पाइप बैठ गया है। एक बार सेल्फ मार के हम टेस्ट करेंगे। आप साउंड में डिफरेंस आइडेंटिफाई कुछ कर सकते हैं अब, कि पहले कैसी है कि आवाज़ आ रही थी एंड अब वापस जैसे साइलेंट हो जाती है एक्टिवा, वैसी हो चुकी है। अगर आपका इस यहाँ से पाइप नहीं निकला तो आप देखते पहले कि पाइप कहीं से कटा तो नहीं है, अगर वहाँ से भी ठीक है तो आप फिल्टर के यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं उनको टाइट कर लें। एंड एक हमारे जो सेकेंडरी फिल्टर होता है इसको भी देख सकते हैं कि ये लूज़ तो नहीं है, इसके नीचे एक स्क्रू लगा होता है।
एंड इसको करते हैं वापस से बंद। अब हम इसमें इसका मुखौटा वापस लगाने लगे हैं। लगा भाई, ये अपने बाल संवारते हुए चल लगा। क्या बात है, शाइन देख रहा। फिर पीछे इनके रबर्स होती हैं, हमने ये बिठाना होता पूरी अपनी प्रॉपर जगह पे। ये वो रही रबर। इसको पहले उठा के हमने अटकाना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि हम लगा तो देते हैं फिर बाद में याद आता है तार तो हमने लगाई नहीं डिक्की खोलने की। ये इसका लॉक लगा दिया। चश्मा बड़ा सही लग रहा है तेरा आज। कपलर लगाएंगे पहले। एकदम टाइट कर देंगे। ये बैठ गया। ये जैसे बैठेगा एक आपको क्लिकिंग साउंड आएगी इसमें। अब लगानी है वायर। वायर मेरी लग चुकी है अब इसमें। अब बस इसका स्टैंड हटा के हम तीन बोर्ड जो उतारे थे वो कर देंगे। कपड़ा फंसाया था ताकि अगर लॉक होए तार ना लगी हुई हम भूल जाएं तो हमारा लॉक ना लगे। ये फिटिंग देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई हमारी एक ही बारी में। टूल पर ने एकदम तरीके से यूज करने हैं प्रॉपर फंसा के। चलते बिल्कुल टाइट कर देना हमने ये सारा। हमने कुछ ज्यादा टाइट कर दी, हमारा क्रैक आ जाएगा प्लास्टिक में। आप ध्यान रखना इतना भी टाइट नहीं करना। और बस आपने इतना सपोर्ट किया, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, जल्दी जल्दी करा दो फटाफट। एक बार फिर आपको साउंड चेक करा देते हैं इसकी। ये हमारी हाफ सेल पे स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसकी साउंड साउंडलेस हो चुकी है जैसे कंपनी से आती है। आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो या अच्छा लगा तो सबसे पहले तो जाके कर दो लाइक, एंड कोई कमी बेशी लग रही है तो कमेंट में हमें भी बताओ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू। See you in next video, guys.